सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद टुडेज लेक्चर अगेन अ प्रीकैप कि कल हमने क्या सीखा था और हमारा जो चैप्टर रनिंग है वो कौन सा चैप्टर है. तो चैप्टर इज द वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जिसका नाम होता है द लिविंग वर्ल्ड. तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंसेस क्या हैं. और ये जो टॉपिक था ये आपके कल के लेक्चर का टॉपिक था, कल आपने सीखा था. ठीक है, तो फॉर अ क्विक थ्रो बैक आप लोग मुझे ये बताइए कि व्हाट वर द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिनको हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना था. ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ. द क्वेश्चन इज कि आप लोगों को वो दो प्रॉपर्टीज बतानी हैं, उनके नाम बताने हैं जिनको हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं माना था. यस, वन वॉज ग्रोथ एंड द अदर वॉज रिप्रोडक्शन. वेरी गुड निशंक एंड अरीबा. ओके, एंड ऑल्सो अरबाज हैज गिवन द आंसर. इसका मतलब सभी ने रिकॉल किया है कल लेक्चर को. ठीक है, वेरी गुड. तो ये जो दो चीजें थी हमने इनके बारे में स्पेसिफिकली बातें की थी कि इनके अंदर कुछ ऐसा बिहेवियर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनके डेफिनेशन को प्रूव नहीं कर पाती हैं एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये बात की थी. इसके बाद हमने बात की थी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस व्हेन वी हैव अ लुक एट द वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड, जिसको हमने बायोडायवर्सिटी का नाम दिया. ओके, तो जो बायोडायवर्सिटी है उसमें आपने देखा था कि अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आर देयर जो कि अभी हम जानते हैं. एंड आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट. और उसके अलावा वर्ल्ड के दूसरे भी ऐसे हिस्से हैं जहां पे अभी भी ऐसे स्पीशीज हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते. ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि वन ऑफ यू गो एंड हैव अ लुक एट द न्यू स्पीशीज. आप लोग में से कोई वो नया स्पीशीज ढूंढ ले, मे बी पॉसिबल. तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते हैं. दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड. ये सीखा था. उसके बाद हमने बातें की थी कि जो डिफरेंट टैक्सॉन्स होते हैं या जब भी हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हाउ टू कैटेगराइज दैट ऑर्गेनिज्म अंडर अ प्लांट और एनिमल. ठीक है, उसको आप प्लांट या एनिमल की कैटेगरी में कैसे रखेंगे उसका प्रोसेस हमने सीखा था. तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू एनालाइज द ऑर्गेनिज्म. ऑब्जर्व करिए. ऑब्जर्व करने के बाद यू विल कम टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स. आपको उसके कैरेक्टर्स पता चलेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसको क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है और फिर उसका एक नाम रख देना है. ठीक है, तो उसके लिए हमने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स भी सीखे थे. तो जो बच्चे आज पहली बार आए हैं, दिस वॉज अ शॉर्ट रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर जो कल हुआ था और उसमें हमने इतनी बातें कवर कर ली थी. एंड दैट फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर. तो आज हम बाकी का पोर्शन कवर करेंगे. तो टुडेज क्लास विल बी डेडिकेटेड टू द टॉपिक ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अलॉन्ग विद टैक्सोनॉमिकल एड्स. ठीक है, तो पहले हम कैटेगरीज या हायरार्की की बात कर लेते हैं. तो हायरार्की, एज आई टोल्ड यू, यू ऑलरेडी नो कि वो स्टार्ट होता है फ्रॉम किंगडम एंड इट एंड्स ऑन स्पीशीज. ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग ये चीज जानते हैं कि जब भी हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करते हैं, हम टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स की बात करते हैं, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम किंगडम. ओके, और ये जो किंगडम है इसमें आप दो अलग अलग किंगडम्स जानते हैं, दैट इज प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये आप लोगों को मालूम है. उसके बाद जब आप किंगडम के डेप्थ में जाएंगे, देन यू विल कम टू फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड फाइनली द स्पीशीज. ठीक है, तो देखो आप जब ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ते हैं तो आपके पास यहाँ पर दो डायरेक्शंस होते हैं मूव करने के. वन इज यू कैन मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आइए, डाउन आइए. और दूसरा आपके पास डायरेक्शन हो सकता है कि लेट अस गो अप स्पीशीज से लेकर आप किस तरफ प्रोसीड करिए, आप किंगडम की तरफ प्रोसीड करिए. ये दो डायरेक्शन में आप जा सकते हो. नाउ व्हाई आई हैव पुट ऑन दिस कंडीशन कि आप डाउन आइए या आप अप जाइए, इसका मैं आपको अभी सिग्निफिकेंस बताती हूँ. बट लेट अस फर्स्ट सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट. ये जो हायरार्की आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये जो एक एक लेवल आपको दिखाई दे रहा है,
दिस वन सिंगल लेवल वेदर इट बी द किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर या जो भी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टैक्सॉन कहते हैं. ठीक है, दिस टर्म इज रियली इंपॉर्टेंट. एक कैटेगरी इज कॉल्ड एज टैक्सॉन. फाइन, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को टैक्सॉन का नाम देते हैं और जिस पर्टिकुलर टैक्सॉन में वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है उसके लिए वो पर्टिकुलर स्टेप कहलाता है टैक्सोनॉमिक रैंक. आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि इसमें से जिस भी कैटेगरी की बात आप करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो उसका रैंक होता है, और वो भी कौन सा रैंक होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक रैंक होता है. फाइन, और अगर आप शॉर्ट में कहना चाहते हैं तो आप उसको कह सकते हैं टैक्सॉन. तो ये बातें आपको याद रखनी है. और ये जो पूरा का पूरा आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है, दिस एंटायर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ओके, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अ सिंगल स्टेप और कैटेगरी दैट वाज टैक्सॉन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर प्लेस्ड है देन दैट विल बी द रैंक ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा अगर आप इस पूरे कंप्लीट सीक्वेंस को देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम अप टू स्पीशीज, तो उसका जो नाम होता है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, द कंप्लीट सीक्वेंस. क्लियर, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दीज टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज डेडिकेटेड टू दिस ओनली, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. फाइन, तो ये टर्म्स पे आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे. नेक्स्ट थिंग इज, ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा हायरार्की. और अब मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर जानना. जब आप इस हायरार्की को देखते हैं तो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको डायरेक्शन बताया मूव करने का. यू कैन फॉलो दिस डायरेक्शन कि आप किंगडम से लेकर नीचे उतर जाइए और स्पीशीज तक आ जाइए, या तो फिर आप इस हायरार्की के लिए फॉलो कर सकते हैं ये डायरेक्शन कि लेट अस गो अप फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. ठीक है, तो हमें जब किंगडम से स्पीशीज आना होता है या जब हम स्पीशीज से किंगडम जाते हैं तो हमें दो चीजें यहाँ पे जज करनी होती हैं, एंड दैट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर और द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. ठीक है, अब देखिए आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जब हम किंगडम से उतर के नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे एंड फाइनली स्पीशीज पे पहुंच जाएंगे, तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इज गोइंग टू इंक्रीज और इट इज गोइंग टू डिक्रीज. बताइए What is going to happen to the number of similar character? क्या वो बढ़ेंगे या फिर वो घट जाएंगे, ये आपको बताना है. Fine, तो I have got an answer कि number of similar character is going to increase. Very good. यहाँ पे जब आप नीचे आते जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल ये बात याद रखेंगे कि जब आप किंगडम से उतर कर स्पीशीज की तरफ आते हैं, आप ये सीढ़ी नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. किंगडम है, आपको एक एग्जाम्पल लेना है. से सपोज द किंगडम इज एनिमेलिया, यहाँ पे जो किंगडम है वो एनिमेलिया है. तो ये जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें हम और आप भी आते हैं और इसमें डॉग एंड कैट भी आता है. ठीक है, आप अग्री करते हो ना, इसमें इंसान भी आते हैं जो कि हम और आप हैं. और दूसरे यहाँ पर कौन आते हैं, दूसरे यहाँ पर आते हैं कैट, डॉग, लायन, टाइगर, जिसको भी आप जानते हो कॉमन एनिमल्स, वो सारे यहाँ पे आएंगे. इनफैक्ट इंसेक्ट्स भी आएंगे. तो आप मुझे ये बताइए कि हम सब एक किंगडम के अंदर है. ठीक है, लेकिन क्या हम सबके स्पीशीज सेम है? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर अ येस और नो. मुझे बस इतना रिप्लाई चाहिए
कि हम सब एक ही किंगडम को बिलोंग करते हैं, बट क्या ऐसा है दैट वी आर सिमिलर टू अ हाउस फ्लाई? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल. ठीक है, तो यही आपका जवाब था, यही रीजन था कि जब हम नीचे आते हैं स्पीशीज की तरफ तब नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बढ़ेंगे. ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी और मेरी. ओके, तो मैं अग्री करती हूँ और आप भी इस बात को अग्री करेंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, वेरिएशंस होती हैं, लेकिन बिलोंग तो हम सेम स्पीशीज को करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो वो तो सारे इंसानों के सेम होते हैं ना, होते हैं. अगर आप होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं तो अगर हम होमोसेपियंस में चले जाएं तो जो भी हमारा स्पीशीज है वो तो सेम हो गया. तो इन दैट वेरी मैनर हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स आर गोइंग टू इंक्रीज. लेकिन जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब किंगडम की ओर बढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर घटता जा रहा है. डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, आपको समझ में आया? जब हम एक ही स्पीशीज की बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर लेस एज कंपेयर टू किंगडम, आप मानते हो. ठीक है, बट एज वी प्रोसीडेड टूवर्ड्स किंगडम तो वॉट इज गोइंग टू हैपन? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज गोइंग टू इंक्रीज बट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज, वो बिल्कुल नीचे उतर जाएगा. ठीक है, तो ये बात मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वेन वी मूव अप, ठीक है, कहाँ से मूव अप करना है हमें, तो दैट इज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. तो यहाँ पे आप ये बात याद रखेंगे कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीजेस. ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, दैट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेस. ओके, ये आपको याद रखना है. ऑल्दो आपको ये चीज पता है दैट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज गोइंग टू इंक्रीज. समझ में आई बात बच्चों? भीड़ बढ़ती जाएगी लेकिन उस भीड़ के बीच में जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है वो घटेगा. वहीं अगर आप दूसरा ट्रेंड देखोगे, दिस इज योर फर्स्ट ट्रेंड दैट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर द हायरार्की. सेकेंड ट्रेंड जो आपको हायरार्की के लिए याद रखना है वो ये है कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, किंगडम से नीचे स्पीशीज की तरफ आएंगे, तो वॉट इज गोइंग टू हैपन कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर तो बढ़ेंगे लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डिक्रीज. यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करोगे तो दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म इस धरती पे इंसान नहीं है, हर एक ऑर्गेनिज्म इस धरती पे कोई इंसेक्ट नहीं है. ठीक है, ये आपका लॉजिक होता है. तो आपको इस हायरार्की लेवल को जब भी पढ़ना है तो आपको ये दोनों कैरेक्टर का ट्रेंड ध्यान में रखना है. ठीक है, अब आगे की बातें कर लेते हैं. यहाँ पे जब हम बाकी चीजों की बात करेंगे तो आपके सामने एक हायरार्की को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है. यहाँ पे आपके पास एक क्लासिफिकेशन है. एज यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग विद किंगडम एनिमेलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा, क्लास इज मेमेलिया, देन ऑर्डर इज प्राइमेटा, देन फैमिली इज होमिनिडी एंड जीनस होमोसेपियंस, जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है, तो ये इंसानों का क्लासिफिकेशन आपके सामने है. तो मैं आपसे कहूंगी कि एटलीस्ट हम इंसान हैं, हम अपने बारे में तो क्लासिफिकेशन के पूरे फीचर्स को याद रखें. फाइन, तो ये आप लोग जरा अच्छे से देख लीजिएगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. यहाँ पे हमें जानना है अबाउट स्पीशीज. हम है ना लोएस्ट कैटेगरी से स्टार्ट कर रहे हैं. लोएस्ट कैटेगरी या ग्रुप जो होता है वो स्पीशीज का होता है. जैसे जैसे आप किंगडम की तरफ जाते हैं तो ये ग्रुप बड़ा होता जाता है. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाते हैं. क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक थिंग दैट इज द स्पीशीज.
तो स्पीशीज यहाँ पे हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होनी चाहिए उनके बीच में, और जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा दैट शुड बी फर्टाइल. ठीक है, अगर आप दो ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज के अंदर प्लेस कर रहे हैं तो यू कैन प्लेस बोथ ऑफ देम अंडर सिंगल कैटेगरी ऑफ स्पीशीज व्हेन व्हेन, ठीक है, कंडीशन है, व्हेन दे आर क्लोजली रिलेटेड, उनके कैरेक्टर आपस में रिलेटेड हैं, मैच कर रहे हैं. दूसरा, उनके बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होनी चाहिए, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और उस प्रोसेस से जो भी ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी आएगा दैट शुड बी फर्टाइल. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फर्टाइल एंड स्टेराइल? टेल मी फास्ट. फर्टाइल और स्टेराइल का मतलब आप लोग समझते हैं? फास्ट फास्ट फास्ट, यस और नो, जस्ट अ यस और नो आई वॉन्ट. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फर्टाइल और स्टेराइल? यस. जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देती हूँ. ठीक है, स्टराइल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कैनॉट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स. फर्टाइल उन्हें कहा जाता है जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के लिए फिट होते हैं, केपेबल होते हैं. ओके, तो यहाँ आपके पास कंडीशन है कि जो ऑफस्प्रिंग आनी चाहिए दैट शुड बी फर्टाइल. ओके, लेकिन ये जो आपका डेफिनेशन है फॉर स्पीशीज, कहीं कहीं पर ये डेफिनेशन काम नहीं करता. मतलब यू कैन सी द एक्सेप्शन. आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? आप यहाँ पर एक्सेप्शन देख सकते हैं जहां पे विधि का विधान, विधि का विधान मतलब ये जो डेफिनेशन है स्पीशीज का, ये काम नहीं करता. नाउ लेट अस सी कि वो कौन सी कंडीशन होती है जहां पे ये विधि का विधान काम नहीं करेगा. ठीक है, तो मैं आपको कंडीशन बताती हूँ कि वो कौन सी कंडीशन होती है. हैव यू हर्ड ऑफ म्यूल? आप लोगों ने म्यूल के बारे में सुना है? ओके, तो यहाँ पे जब हम म्यूल की बात करते हैं तो म्यूल इज फॉर्म्ड बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी. ठीक है, यहाँ पे हम किसकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो वो हॉर्स एंड डोंकी होता है. अब आपको भी पता है कि भाई हॉर्स एंड डोंकी जो है ये सेम स्पीशीज में तो नहीं आता. ओके, इनका जेनेरा या फैमिली सेम हो सकता है लेकिन ये सेम स्पीशीज में तो नहीं आते. तो ये जो म्यूल है फिर ये बना कैसे? और अगर ये बन गया तो फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमने ये जो डेफिनेशन लिखी ये सभी ऑर्गेनिजम्स पे लागू होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है. तो दैट इज अ कंडीशन, ये एक कंडीशन है. अब यहाँ पे इस कंडीशन को ये सोच के भी हमने थोड़ा जज किया कि क्या ये कंडीशन आर्टिफिशियली आती है, तो हमें पता चला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन नेचुरली लाई जाती है. मतलब म्यूल का जो प्रोडक्शन है या फिर आप कह सकते हो डोंकी और हॉर्स का जो क्रॉसिंग है दैट इज अ नेचुरल फिनोमिनन. तो अगर ये नेचुरल फिनोमिनन है इट मीन्स दैट दिस डेफिनेशन डज नॉट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ म्यूल. ठीक है, इट मीन्स दैट दिस डेफिनेशन डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर म्यूल. लेकिन म्यूल बनता है. अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि चलिए एक कंडीशन तो यहाँ काम कर जाएगी कि जो म्यूल है वो बन तो गया, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन हो तो गई, बट द थिंग इज कि ये जो म्यूल है दैट इज अ स्टराइल. ओके, ये क्या होता है? स्टराइल होता है. वैसे यहाँ पे टाइगोन होता है जो कि लायन एंड टाइगर का क्रॉस होता है. तो लायन एंड टाइगर का जो क्रॉस है टाइगोन, उसमें तो ये कंडीशन भी हट गई, वो फर्टाइल भी होता है. ठीक है, तो दिस इज एक्सेप्शनल केस.
अब ये जो स्पीशीज की डेफिनेशन है ये उसके लिए एक एक्सेप्शनल केस बन गया जो आपको याद रखना है, बिकॉज समबडी कैन आस्क यू कि क्या ये हमेशा होता है, तो आप कहेंगे नहीं, इन सम ऑफ द कंडीशंस इट डज नॉट होल्ड ट्रू, लेकिन डेफिनेशन यही रहेगी, वो बदली नहीं है। अब जब आप हायरार्की को देखेंगे तो यू वेरी वेल नो कि जो स्पीशीज होता है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी या लोएस्ट टेक्सॉन होता है। फाइन, तो यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंगो है, टमाटो है, इसका आप लोगों को स्पेसिफिक एपिथेट याद रखना है, दैट इज दिस पर्टिकुलर कॉलम। ये जो है ये उनका जीनस नेम है या उनका जेनेरिक नेम है। फाइन, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब जब आप स्पीशीज से ऊपर जाएंगे, ओके, तो स्पीशीज को अगर आपको कॉमनली डिफाइन करना है तो व्हाट यू कैन से, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, या फिर यू कैन से सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। फाइन, ये आपका बेसिक डेफिनेशन है, ये तो आपका टेक्निकल डेफिनेशन होता है। ओके, तो स्पीशीज के कंसेप्ट में एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? डू यू ऑल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज? नो, लेट अस मूव ऑन देन। अब ये स्पीशीज के कंसेप्ट के बाद हमें क्या जानना है, हमें जानना है यहां पर अबाउट जीनस। ठीक है, तो ये जो जीनस है बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं। जब हम जीनस की बात करते हैं तो अगर आपको जीनस को लॉजिकल सेंस में डिफाइन करना है तो व्हाट यू आर गोइंग टू से दैट इट कंप्राइजेस ऑफ सिमिलर स्पीशीज। ठीक है, देखो हम किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, तो इसीलिए अब जो सिमिलर स्पीशीज होंगे, पहले स्पीशीज एक ग्रुप था, ये दो सिमिलर स्पीशीज हैं तो ये एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे और वो जो हो जाएगा दैट विल बी अ ब्रॉडर टर्म और वो हो जाएगा जीनस। क्लियर? तो यहाँ जीनस की जब हम बात करते हैं तो इट इज द एग्रीगेट, इट इज द कलेक्शन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे एग्जाम्पल हैं, एज यू कैन सी दैट द डोमेस्टिक कैट जो होती है या फिर जो लायन एंड टाइगर होते हैं, आपने सुना होगा कि ये सारे के सारे जो होते हैं ये एक फैमिली में आते हैं, कैट फैमिली के अंडर। अभी हम फैमिली में भी जाएंगे बट लेट अस कम टू द जीनस फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देखो कि जब हम एनिमल्स में लायन, लेपर्ड और टाइगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लायन, लेपर्ड या टाइगर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये सभी का जीनस सेम है, सभी का नाम का जो स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम द वर्ड पैंथेरा। तो पैंथेरा इज द जीनस फॉर लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये जो इनका स्पीशीज है दैट इज ऑल्दो स्पेसिफिक लेकिन रिलेटेड होते हैं, तो ये सब एक जगह पे आ जाते हैं। देन सेम यू कैन डू विद द कैट एंड सेम यू कैन टेक द एग्जाम्पल फॉर द मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलिनेसी। ठीक है, वहां पे पोटैटो, टोमैटो, ब्रिंजल के बीच में भी कुछ ऐसा ही लॉजिक अप्लाई होता है। फाइन, तो दिस विल बी द ब्रॉडर टर्म जिसको हम क्या कहते हैं, जीनस या जेनेरा यू कैन से। देन कम्स फैमिली। तो जब फैमिली की बात यहाँ पे की जाएगी तो उसमें आपको याद रखना है कि फैमिली जो है ये अब और भी बड़ा टर्म है, ये जीनस से भी बड़ा टर्म होता है और इस फैमिली के अंदर बहुत से लोग आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हम अगर अपनी फैमिली को देखेंगे, ओके, तो हमारी फैमिली में सिर्फ हमारे मम्मी पापा नहीं होते, हमारे मामा मामी भी होते हैं, हमारे चाचा चाची भी होते हैं, हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके कोई रिलेटिव होंगे जो कजन कजन रिलेशन में आते हैं, वो सारे भी इंक्लूड हो जाते हैं। डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? तो दैट इज द केस विद द फैमिली ऑल्सो व्हेन वी टॉक इन बायोलॉजिकल सेंस। जब आप यहाँ पे देखेंगे फैमिली को
तो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. अभी तक स्पीशीज जो थे वो कंपाइल हुए थे टू फॉर्म जेनेरा. अब जेनेरा कंपाइल होगा टू फॉर्म फैमिली. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज यू ऑल नो. प्लांट फैमिलीज में यू नो सोलेनेसी, ह्यूमन फैमिली की अभी अभी बात हुई थी, दैट इज होमिनिडी. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर जिसके अंदर सिमिलर जेनेरा के ऑर्गेनिजम्स आते हैं. नाउ लेट अस मूव टू मच ब्रॉडर कैटेगरी जो कि फैमिली से भी ऊपर होगी, और वो कौन सा होता है? ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर में और भी जो सिमिलर कैरेक्टर है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर घट जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और भी बढ़ जाएंगे. जैसे अब आप देखो, जब ऑर्डर की बात हो रही है तो यहाँ पे लायन, टाइगर, कैट एंड डॉग, ये सब के सब एक ही ऑर्डर में आ गए. ओके, ऑल्दो इनका जो फैमिली है वो सेम नहीं था लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो सेम हो गया. ठीक है, तो इनका ऑर्डर सेम हो जाता है और इनका जो ऑर्डर है दैट इज कार्निवोरा, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आपको पता है कि ये सभी के सब फ्लैश कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनका ऑर्डर सिमिलर है. और ब्रॉडर कैटेगरी पे जाएंगे आप तो ऑर्डर के बाद यू विल कम टू नो अबाउट क्लास. क्लास में भी आपको पता है मोनोकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडनी, इसमें जितने भी रिलेटेड ऑर्डर हैं, मतलब जितने भी सिमिलर ऑर्डर होते हैं वो आके कंपाइल हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल क्लास. ठीक है, फिर इसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं फाइलम और डिविजन तक. अब मुझे ये बताइए कि फाइलम और डिविजन सेम चीजें हैं या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है? फाइलम और डिविजन क्या ये दोनों सिनोनिमस हैं या फिर इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है? टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए. फाइन, चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूं. यहां पे फाइलम वर्ड तब यूज किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. डिविजन वर्ड तब यूज किया जाएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. ठीक है, जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे डिविजन, जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे फाइलम. बट इनके बीच में कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस बस इतना है कि जब आप बात करें जानवरों की तो आप यूज करिए फाइलम, जब आप बात करें पेड़ पौधों की मतलब कि फ्लोरा की तब आपको यूज करना है डिविजन. ठीक है, तो जब आप इसके बाद वाला चैप्टर सीखेंगे दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पे आपको ये समझ में भी आएगा कि जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे. हम लिखेंगे डिविजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन्स, डिविजन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ठीक है, तो ये अलग अलग डिविजन्स होंगे व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स. लेकिन जब आप किंगडम एनिमेलिया जाएंगे, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब डिविजन शब्द पुराना हो गया, चलो फाइलम ले लेते हैं. तो वहां पे आप सीखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. तो ये दोनों चीजों का अंतर आप वहां पे समझ जाएंगे. ठीक है, फिर फाइनली कहां तक पहुंच जाते हैं हम? तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं किंगडम तक. और जब किंगडम की बात हो रही है तो किंगडम में हमें पता है कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर लगभग खत्म ही हो जाते हैं, मतलब सिमिलैरिटी बस इतनी रह गई है कि हम सब एक किंगडम में आते हैं, उसके अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं रह जाती है. ठीक है, तो दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. नाउ बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, आप ये देखो जो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे बढ़ते हैं या घटते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे बढ़ते हैं या घटते हैं, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा. देखिए, किंगडम से लेके स्पीशीज तक का आपके पास लेवल यहाँ ड्रॉ किया गया है. तो जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो व्हाट यू विल कम टू नो कि एज वी मूव ऑन, तो देखिए किंगडम में सभी थे, कॉर्डेटा में कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो गए, मेमेलिया जब आप आए तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और कम हो गए, कार्निवोरा ऑर्डर में आप पहुंचे हैं तो ऑर्डर आने पर और भी कम हो गए, फैमिली मच मोर लेस, जीनस में और कम, स्पीशीज में और कम.
तो यहाँ पे ये जो चीज अभी आपने देखी, आपने ऑब्जर्व किया है डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, या फिर डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज. जब आप किंगडम टू स्पीशीज नीचे उतरे तो आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स घटते गए. समझ में आया कि यहां पर क्या हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज जो अभी हमें यहाँ पे जानना था. अब अगर हम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज को समझ चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी चीजें देख सकते हैं. दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का कुछ एग्जांपल आपके सामने है. मैन का क्लासिफिकेशन यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, हाउस फ्लाई इज देयर, मैंगो है, वीट है, फाइन. इसके अलावा अब हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लेक्चर का, क्योंकि हमने सीख तो लिया कि व्हाट इज द कंसेप्ट, बट लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट कंसेप्ट. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडी हो जाइए. अब आप लोगों का एग्जाम होगा अभी तक जो भी सीखा उसके बेसिस पे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज वी गो हायर इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हायर जा रहे हैं, तो देखो आपको मेंशन नहीं किया गया है कि आप स्पीशीज टू किंगडम जा रहे हैं या आप किंगडम टू स्पीशीज आ रहे हैं, बट आपको ही समझ जाना है कि हम हायर जा रहे हैं मतलब कहाँ जा रहे हैं. तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नंबर टू, ओके, लेट अस चेक. बिल्कुल सही जवाब है, जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर टू, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है, मैंने आपको अभी अभी ये चीज एक्सप्लेन की थी. हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो यही हमारे लिए हायर जाना हुआ ना. अगर हम नीचे आते तो लोअर होता, बट यहाँ पे आपको हायर लिखा गया है. हायर मीन्स वी आर गोइंग अप. तो जब आप स्पीशीज से किंगडम आते हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, वेरी गुड, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही अप्लाई किया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैमिली दैट शेयर्स द सेम ऑर्डर, ठीक है, द फैमिली दैट शेयर्स द सेम ऑर्डर अलोंग विद सोलिनेसी. कौन सी वो फैमिली है जो सोलिनेसी के साथ सेम ऑर्डर शेयर करती है या सेम ऑर्डर में आती है, बताइए. सोलिनेसी के साथ कौन आती है, कौन आती है, कौन आती है? फोर्थ ऑप्शन, लिलिएसी. ओके, आई हैव गॉट वन आंसर. बाकी लोगों के जवाब कहां पर हैं, थोड़ा सा सोचो बच्चों. विच फैमिली कम्स अंडर सेम ऑर्डर अलोंग विथ सोलिनेसी? ओके, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ने कहा है फोर्थ और एक ने कहा है सेकंड. लेट अस सी, ना ही ऑप्शन नंबर फोर है ना ही ऑप्शन नंबर टू है, इसका जो आंसर है दैट इज नंबर थ्री. ठीक है, दैट इज फैमिली कॉनवलवुलेसी. ओके, अब देखो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपने अभी फैमिली डिस्क्रिप्शन सीखा नहीं है. जब आप फैमिली डिस्क्रिप्शन सीख लेते हो तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा. तो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड ओवर द फैक्ट कि हमने गलत गेस कर लिया. अरे अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. व्हेन यू विल कम टू नो द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑल द फैमिलीज तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंजीफेरा बिलोंग्स टू द ऑर्डर. अभी अभी आपको मैंगो का क्लासिफिकेशन दिखाया गया था, हाँ, ऑल्दो दैट वॉज नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम जिससे कि आप याद कर पाते, बट हाँ यू कैन गेस कि कौन सा ऑर्डर यहाँ पे मैंगो का हो सकता है. ओके, आई हैव गॉट द आंसर, दैट इज थर्ड. लेट अस सी, वेरी गुड.
कुछ लोगों ने बड़े ही अच्छे से ऑब्जर्व किया उस क्लासिफिकेशन को, आई कैचिंग वर्ड, तो ऑर्डर इज सैपेंडेल्स, फाइन, ये आंसर होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सोनॉमिकल एड फॉर ऑफ एनालिटिकल नेचर. ऑल्दो अभी हमने टैक्सोनॉमिक एड डिस्कस नहीं किया है, बट यू कैन गिव अ गेस ओवर इट, क्या हो सकता है एनालिटिकल नेचर का टैक्सोनॉमिक एड आपको बताना है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस हो. ओके, फर्स्ट ऑप्शन आई हैव गॉट, वेयर आर रेस्ट ऑफ द आंसर्स. ओके, ऑप्शन नंबर 1 आई हैव गॉट, ऑप्शन नंबर 3 आई हैव गॉट, लेट अस चेक. आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज की. ओके, कैसे एनालिटिकल नेचर का होता है, अभी जब आपको मैं की समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ प्लांट्स दैट बिलोंग टू सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज. आपको सेम जीनस में आते हैं और डिफरेंट स्पीशीज में आते हैं, ऐसे प्लांट का पेयर फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट द पेयर, कौन सा होगा, नंबर 3. आई हैव गॉट ऑप्शन नंबर 3 एज द आंसर. चलिए चेक करते हैं. यस, पोटैटो एंड ब्रिंजल. ठीक है, पोटैटो एंड ब्रिंजल. बट अगेन, आप जब फैमिली डिस्क्रिप्शन सीखेंगे बच्चों, तभी ये क्वेश्चन आपसे एक्यूरेसी के साथ बनेगा. ओके, आगे देखते हैं. फाइंड द जीनस विच डज नॉट कम अंडर सोलेनेसी. आपको ऐसा जीनस बताना है जो सोलेनेसी में नहीं आता. बताइए कौन सा सोलेनेसी में नहीं आता, कौन सा नहीं आएगा सोलेनेसी में. फर्स्ट, सेकेंड निकोटियाना, सेकेंड निकोटियाना. ओके, और किसी का कोई आंसर है, आंसर इज मैंजीफेरा. ठीक है, आंसर इज मैंजीफेरा, मैंगो सोलेनेसी में नहीं आता. ओके, इसके बारे में अगेन तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे व्हेन यू नो अबाउट फैमिली डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट थिंग इज, फाइंड द ऑर्डर दैट डज नॉट कम अंडर डाइकोटिलिडनी. डाइकोटिलिडनी में कौन सा ऑर्डर नहीं आता है, विच ऑर्डर डज नॉट कम अंडर डाइकोटिलिडनी. मालवेल्स है यहाँ पे, रोजेल्स है, पॉलीमोनियल्स है एंड म्यूकोरेल्स है. अगेन, विच, कौन सा होगा आंसर यहाँ पर, म्यूकोरेल्स. ठीक है, आंसर इज म्यूकोरेल्स. एनी यूनिट और कैटेगरी इन अ टैक्सोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड अ, क्या बोला जाएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर है. क्या बोला जाएगा, अ यूनिट और कैटेगरी इन अ टैक्सोनॉमिक सिस्टम विल बी टर्म्ड एज, यस, वेरी गुड, आंसर विल बी टैक्सॉन. If two organisms are members of the same genus, they need not also be the members of the same. बताइए, ये आपसे कह रहा है कि दो ऐसे organisms हैं जो कि same genus के members हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इसमें से किसी एक category के same members हों. First, check कर लेते हैं. बिल्कुल सही बात है, सेम जीनस के हो सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज. ओके, सीखा है अभी अभी ये कंसेप्ट हमने. नेक्स्ट, इन अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन द ग्रुपिंग जस्ट बिलो द ऑर्डर इज, ऑर्डर के नीचे क्या प्लेस्ड होता है, ऑर्डर के नीचे. वेरी गुड आंसर मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट, लेट अस चेक. वेरी गुड, ऑर्डर से नीचे जो चीज प्लेस्ड होती है दैट इज द फैमिली.
इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, फैमिली किन दो कैटेगरीज के बीच में प्लेस्ड होती है? देखो फैमिली से ऊपर ऑर्डर है, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका था उसमें आप समझ गए। नीचे क्या होता है? जीनस, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ऑर्डर एंड जीनस। लोएस्ट एंड हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, लोएस्ट होती है कौन और हाईएस्ट होती है कौन? व्हाट विल बी द आंसर फॉर द लोएस्ट एंड हाईएस्ट टैक्सा? यस, वेरी गुड, सभी ने ऑलमोस्ट इसका आंसर दिया है। आंसर विल बी स्पीशीज एंड किंगडम। पिक आउट द ऑर्डर दैट डज नॉट कम अंडर डाइकोटिलिडनी। आपको वो ऑर्डर पिकअप करना है जो डाइकोटिलिडनी में नहीं आता है। कौन सा ऑर्डर है जो डाइकोटिलिडनी में नहीं आएगा? दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड आई गेस एंड द आंसर विल बी, अच्छा अब आपको इसमें से पिकअप करना है, बताइए कौन कौन से होंगे। आंसर विल बी फोर ओनली, यू नो दैट। अभी हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर म्यूकोरेल्स था, ठीक है, इसका आंसर म्यूकोरेल्स था। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फोर ओनली। स्पर्मेटोफाइटा इंक्लूड्स, स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट और फर्न्स, कौन कौन आएंगे अंडर स्पर्मेटोफाइटा? बताइए, ये आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 ऑल, 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 एंड 2, सारे ही आएंगे। लेट अस चेक, 1, 2 एंड 3 आर इंक्लूडेड, फर्न्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है, फर्न्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। सो दिस वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, जिसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नाउ लेट अस लर्न अबाउट टैक्सोनॉमिकल एड्स, जैसे कि हर्बेरियम क्या होता है, वॉट इज बॉटनिकल गार्डन, वॉट इज की, ये सारी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। फाइन, सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें टूल्स के बारे में जानना है कि कौन से वो टूल्स होते हैं जिससे कि हम टैक्सोनॉमी की पढ़ाई कर सकते हैं। और यही जो आपके टूल्स होते हैं, दीज आर ओनली नोन बाय द ऑल्टरनेट नेम ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, इन्ही को हम क्या कह सकते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स। फाइन, तो कोई भी नाम से आपको सवाल पूछा जाए आपको समझ में आना चाहिए कि दैट इज द सेम थिंग एक्चुअली। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स जो टूल्स होते हैं या जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं, दैट इज द बॉटनिकल गार्डन, यू कैन हैव म्यूजियम, मोनोग्राफ होता है, हर्बेरियम होता है। तो हम इनका एक एक करके बात करेंगे कि किसमें हम क्या चीजें सीखते हैं। तो फर्स्ट वी विल टेक अबाउट हर्बेरियम। ये तो आई गेस आप लोगों ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया भी होगा। हैव यू ऑल मेड हर्बेरियम फॉर योर कॉलेज प्रोजेक्ट? बनाया होगा आप लोगों ने। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट स्पेसिमेन का ड्राइड वर्जन जो होता है, ड्राइड एंड प्रेस्ड वर्जन जो होता है, उसको हम पेपर पे स्टिक करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट ड्राइड स्पेसिमेन, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ऑन द राइट हैंड साइड रूल पेपर, वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, जो भी उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। किस तरह से आपको ये दिखाई देगा, तो यू कैन सी लाइक दिस कि हर्बेरियम की जो आपकी फाइल रेडी होती है, अगर आपने कभी बनाया होगा तो आपको याद होगा, तो ये फाइल के दो पार्ट्स होते हैं। फाइन, तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है, दैट इज LHS पार्ट, दैट इज अ ब्लैंक पेज, ओके, ये एक ब्लैंक पेज रहता है। और इस ब्लैंक पेज को आपको किस चीज के लिए यूज करना है?
आपको इसको यूज करना है फॉर स्टिकिंग द ड्राइड स्पेसिमेन. यहाँ पे आपके पास वो ड्राइड स्पेसिमेन होगा जिसको आप एज इट इज चिपकाएंगे, स्टिक करेंगे. और जब आप इसके RHS वाले पार्ट में आ जाएंगे, तो जब आप इसका RHS वाला पार्ट देखोगे तो वहां पर इस फाइल में रूल्ड पेजेस होते हैं. ठीक है, रूल्ड पेजेस इस तरीके से लगे होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, जो भी स्पेसिमेन आपने वहां पर स्टिक किया है हमें उसका एक अकाउंट लिखना होता है. से फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम उसका लोकेशन लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिर हम उसका हैबिटेट लिखते हैं. ओके, इसके अलावा हम उसका कोई कॉमन नेम है तो वो भी लिख सकते हैं. फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं कि ये कौन सी फैमिली में आता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके एनाटॉमिकल फीचर्स क्या हैं. वी आर गोइंग टू मेंशन ऑल दैट. तो ये जो फाइल आपकी रेडी होती है दैट इज कॉल्ड अ हर्बेरियम. ठीक है, तो हर्बेरियम में आपको किसी भी स्पीशीज की पूरी क्लासिफिकेशन मिल जाती है, उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाता है. नाउ लेट अस चेक अगला वाला टैक्सोनॉमिकल टूल जिसको हम बॉटनिकल गार्डन कहते हैं. तो जब बॉटनिकल गार्डन की बात होती है तो बॉटनिकल गार्डन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एरिया जहां पे सारे के सारे प्लांट्स होते हैं. और ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये सारे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसको या तो हमने ग्रो किया है फॉर प्रिजर्वेशन या तो फिर उनको कंजर्व किया जा रहा है. वो प्लांट स्पीशीज भी पाए जाते हैं. इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन में आपके पास मेडिसिनल प्लांट्स भी हो सकते हैं, दूसरे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट्स भी पाए जा सकते हैं. सभी तरह के यहाँ पे मिलते हैं. तो जब बॉटनिकल गार्डन में आप देखेंगे तो हर एक प्लांट के साथ आपको उसका बॉटनिकल नेम मिलेगा और आपको उसका फैमिली मेंशन मिलेगा. ठीक है, तो आपको उसका फैमिली और उसका बॉटनिकल नेम तो देन एंड देयर पता चल जाता है व्हेन यू हैव अ क्विक स्टेयर एट दैट प्लांट. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि हमारे इंडिया में या फिर दूसरे कंट्रीज में कहाँ कहाँ पर फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं. तो देयर इज एग्जाम्पल ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन. इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन एंड बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश. ठीक है, ओके. आई हैव गॉट अरबाज से मुझे एक क्वेश्चन आया है, हर्बेरियम शीट की साइज कितनी होती है. ठीक है, अब देखिए अरबाज, एक्चुअली आई डू नॉट रिमेम्बर कि उसका स्पेसिफिक साइज क्या होता है. बिकॉज इसका रीजन ये है कि जब हम मार्केट में जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें हर्बेरियम फाइल चाहिए, तो वो आपको वही फाइल देता है जो हमेशा हर्बेरियम में यूज होती है. ठीक है, तो आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर दैट, बट इन केस यू वॉन्ट टू नो दैट आई कम टू यू बैक ऑन इट. ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और आपको ये चीज जरूर बताऊंगी कि उसकी जो स्पेसिफिकली साइज होती है वो क्या होती है. ठीक है, द रीजन इज कि जब से मोबाइल फोन आया है तो हमें नंबर याद नहीं रहते, तो वैसे ही जब हम हर्बेरियम लेने जाते हैं तो हमें कभी साइज बताना ही नहीं पड़ता. ओके, तो दैट इज द केस दैट आई डू नॉट रिमेम्बर, बट आई विल श्योरली टेल यू अबाउट इट. ओके, अगेन अ क्वेश्चन, प्लांट की हाइट नहीं लिखी जाती ना शीट पे. नहीं, देखो मैं आपको बताती हूं अरबाज कि जब हर्बेरियम हम लिखते हैं उसके डिटेल्स लिखते हैं, इन केस यू वॉन्ट टू राइट हाइट ऑफ द प्लांट, तो वो तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेंशन कर ही नहीं सकते बिकॉज दैट इज वेरिएबल. ओके, अगर आप जेनेटिक्स के पर्पज से देखेंगे तो हाइट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वेरिएबल. थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहता है उनके एपिकल स्टेम के लेंथ में, तो यू कैनॉट गेट टू अ प्रॉपर डेटा. बट अगर आप चाहें तो आपने जिस प्लांट में से वो स्पीशीज को कलेक्ट किया है या उसका स्टेम लिया या उसका लीफ लिया, उस प्रॉपर प्लांट का आप मेंशन कर सकते हैं. बट अगेन दैट इज एन ऑप्शनल थिंग, यूजुअली वो लिखा नहीं जाता है. ठीक है, इज इट ओके अरबाज, अभी क्लियर हो आप?
ओके फाइन, चलिए तो प्रोसीड करते हैं यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन पे। तो बॉटनिकल गार्डन तो आपको याद रखना ही है कि कहाँ पर है। इसके अलावा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज होगी जिस पे आप फोकस रखेंगे कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो दैट इज लोकेटेड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है, ये आप लोग याद करिए, ये इम्पोर्टेंट है। फाइन, इसके बाद हमें देखना है कि ये डिफरेंट बॉटनिकल गार्डन के पिक्चर्स यहाँ पे आपके पास हैं जो आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल टूल इज बायोलॉजिकल म्यूजियम। अब म्यूजियम का मतलब आप अगर हिंदी में समझें तो उसका मतलब होता है संग्रहालय, जहाँ पे पुरानी चीजों का संग्रह हो, प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स का अगर वहां पर कलेक्शन है तो दैट विल बी बायोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में बेसिकली उन प्लांट्स को या एनिमल्स को रखा जाता है जो कि अब पाए नहीं जाते हैं, या तो वो इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के साथ खत्म हो गए या तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए। फाइन, तो ये सब चीजें वहां पे पाई जाती हैं। अब यहां से मैं आपको एक होमवर्क दूंगी जिसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपको मुझे ये बताना है कि रिसेंटली विच वन एनिमल स्पीशीज एंड वन प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं फ्रॉम इंडिया। ठीक है, वॉट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज जो कि रिसेंटली इंडिया से एक्सटिंक्ट हुआ है या खत्म हुआ है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, अब देखिए रिसेंटली का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली 2020 का डेटा पे फोकस करेंगे। हो सकता है कि हमारे हिसाब से रीसेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है लास्ट इंफॉर्मेशन, जो भी इंडिया से जानवर या पौधा गायब हुआ है, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये याद रखूंगी और मैं ये आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, तो दैट विल बी अ थिंग जिसपे आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। अगला है बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल कि यहाँ पे जितने भी स्पेसिमेंस को रखा जाता है तो वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में होते हैं। ओके, ड्राइड स्पेसिमेन होते हैं और कुछ को बॉक्सेस में भी रखा जाता है पिन करके या फिर स्टिक करके। इसके अलावा बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं उनको स्टफ करके रखा जाता है ताकि उनका जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो डिस्टॉर्ट ना हो जाए, और एनिमल स्केलेटन का कलेक्शन भी होता है वहां पर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में दिखेंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वॉज अ प्रिमिटिव एलिफेंट जो पहले के जमाने में पाया जाता था। देन यू कैन सी सम ऑफ द बर्ड्स आर ऑल्सो हियर, और आपको ह्यूमन स्केलेटन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑल दीज आर द थिंग्स जो आपको म्यूजियम में दिखती है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क या फिर जू। इसके बारे में तो आई गेस मुझे आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना है। इसमें अगर आप जाएंगे तो आप किसी भी एनिमल का जो फीडिंग हैबिट है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रिस्पॉन्स है टू द एनवायरमेंट और टूवर्ड्स अनदर एनिमल्स, वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा एनिमल हर्बीवोर है या कार्निवोर है, कौन सा एनिमल प्रिडेटर है या प्रे है। आप ये सारा कुछ इंटरैक्शन से देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट विल बी की। की के बारे में अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो की के डिटेल्स यहाँ आप देखिए। इट इज बेसिकली एनालिटिकल मेथड जिसमें आपको एनालिसिस करके चीजों को पहचानना होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ एनालिसिस कर रहे होंगे बच्चों, तो आपको भी पता है कि वेन वी एनालाइज एनीथिंग तो हम उसको हर एक रिस्पेक्ट से देखते हैं, हर एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि किस तरह से क्या हो सकता है, हर एक कंडीशन जज करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, आप उस ऑर्गेनिज्म को पॉजिटिव सेंस में भी एनालाइज करेंगे, आप उसके नेगेटिव चीजों को भी देखेंगे। तो जब आप एक एक करके यहाँ पे उसके कैरेक्टर्स को देखते जाएंगे, उसके बाद आपके पास जो कंपाइलेटिव एनालिसिस आएगा दैट विल बी द की। तो की तक पहुंचने के लिए आपने जो जो चीजें एनालाइज की दैट फॉर्म्स अ कपलेट पेयर ऑफ कैरेक्टर इन ऑर्डर टू रीच की, उसको क्या कहा जाता है, कपलेट कहा जाता है। और हर एक कपलेट में ऑपोजिट ऑप्शंस होते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ नेगेटिव वंस। ठीक है,
तो ये दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर हो गए ना एक ही एनिमल के लिए या एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए, तो दैट फॉर्म्स अ कपलेट. ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे कपलेट्स हम बनाते जाएंगे, काफी सारे कपलेट्स होंगे. और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, कि सपोज ये कपलेट अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक रहा तो हम उसमें से एक को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज फाउंड टू बी द मोस्ट रेलेवेंट. ये हमारा कंसेप्ट होता है की का. फाइन, अब आगे चलते हैं बाकी चीजों पे. की के बारे में यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, और की कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए आपको बना के दी भी गई है, तो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये डिजाइन किया गया है. ओके, यहाँ पे हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लिया जा रहा है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के दो अलग शेप हो सकते हैं, रॉड एंड कौन सा, यहाँ पे कोकाई भी हो सकता है. तो हमें बस ये देखते जाना है कि हाँ या ना, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है. फाइन, तो दिस इज अ ब्रांच्ड टाइप ऑफ की. आपके पास ये स्ट्रेट भी बनता है जिसमें आपको बिल्कुल सीधा सीधा आना होता है. फाइन, नाउ लेट अस मूव टू फ्लोरा एंड फौना. तो फ्लोरा एंड फौना की जब बात होगी, तो यहाँ पे फ्लोरा का मतलब आप समझते हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड फौना का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे फिर हम आ जाएंगे मैनुअल्स पे. तो जब मैनुअल्स पे आ जाएंगे, तो दैट इज द एक्चुअली रिकॉर्ड ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म, द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जिससे हम उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और वो किस एरिया में पाया जाता है उसका पता भी लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो किताब आपके सामने है, यहाँ लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन सीवीड्स. तो यहाँ पे आप बिल्कुल पढ़ के ही जान गए कि यहाँ पे जो भी स्पीशीज की पढ़ाई होगी वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के होंगे. ओके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो भी स्पीशीज पाए जाएंगे, बेसिकली ये उन पर डेडिकेटेड है. फाइन, तो ये इस तरह का रिकॉर्ड होता है जिसको हम कहते हैं मैनुअल. देन कम्स द मोनोग्राफ. मोनोग्राफ में आप किसी भी एक टैक्सोन पर फोकस्ड होते हैं, आपको पूरा हर जगह पे नहीं जाना है. ओके, यहाँ पे आपको फोकस्ड होना है ऑन एनी वन टैक्सोन, सभी को कंसिडर नहीं करना है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैनुअल ब्रॉड लेवल टर्म है. अगर आप उससे छोटा टर्म देखेंगे, आपको कम ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करनी है, देन यू कैन यूज मोनोग्राफ. ओके, इसके बाद कैटलॉग भी होता है जिसमें आपके पास अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है स्पीशीज की, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, दैट इज कॉल्ड एज कैटलॉग. इतने टैक्सोनॉमिकल टूल्स आपको याद रखने हैं. नाउ लेट अस अप्लाई द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एग्जिबिट्स ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आर मेंटेन्ड इन. कहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं बताइए. ये तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि हमें एग्जिबिट्स ऑफ स्केलेटन कहाँ पे मिलते हैं. एग्जैक्टली, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी म्यूजियम. ओके, आंसर विल बी म्यूजियम. इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज प्रोवाइडेड बाय. अब फोकस करो, अभी अभी हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर एरिया पे फोकस्ड रह के आपको एनालिसिस करना है, तो वो क्या टर्म था, विच वॉज दैट टर्म. यस, लेट अस चेक. मैनुअल, पर्टिकुलर एरिया वॉज मैनुअल. यस, चलो. क्विक रेफरल सिस्टम इन अ टैक्सोनॉमिक स्टडी बताइए. टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए क्विक रेफरेंस आपको चाहिए, तो वो आपको कहां से मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन, लेट अस सी, वेरी गुड, वो आपको हर्बेरियम से मिलेगा. डिजिटल हर्बेरियम प्रोवाइड्स एन एनालॉगस ऑनलाइन दैट हेल्प्स इन बताइए. आंसर आपको ऑलरेडी पता ही चल गया.
डिजिटल हर्बेरियम है, एनालॉग मिल रहा है आपको ऑनलाइन, तो उससे आपको क्या मालूम चलेगा या क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा आपको? उससे पता चलेगा आइडेंटिफिकेशन. ओके, उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे. नेक्स्ट इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन. इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? वेयर इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन? ओके, हावड़ा में है. ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगी, आप लोग बताइए. अभी अभी पढ़ा था नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने आपको बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है. कहां पर था ये? यस, वेरी गुड निशंक अरबाज, ये था लखनऊ में. तो आपका जो आंसर है दैट विल बी लखनऊ. अ बुक ए कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन and systematic listing of plants. Book B provide information for identification of name of species in an area. A and B are respectively. Bataiye. Book A hai aur book B hai. Aapko analyze karna hai ki wo kaun si hai. Book A mein aapko bataya gaya hai habitat distribution ke bare mein. Aur book B mein aapko bataya gaya hai अबाउट द एरिया. चलिए देखते हैं. फ्लोरा एंड मैनुअल. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पिक द इनकरेक्ट मैच. आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है. बताइए विच वन इज द इनकरेक्ट मैच. तो यहां आपके पास क्या क्या है? आपके पास है हर्बेरियम, प्रिजर्व ओनली प्लांट स्पेसिमेन, म्यूजियम, प्रिजर्व बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन इन ड्राई कंडीशंस या प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. तो आप जब स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. बॉटनिकल गार्डन, लाइव प्लांट स्पेसिमेन ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मैनुअल, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन, टेक्सॉन. क्या इनकरेक्ट है बताइए? यस, ऑप्शन नंबर फोर जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर एक ही टेक्सॉन की बात हो रही है तो वो क्या होता है? विच इज दैट टेक्सोनॉमिकल टूल दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू वन टेक्सॉन. कौन सा टेक्सोनॉमिकल टूल था वो? यस, वेरी गुड विनय, वो मोनोग्राफ था. ठीक है, अगर यहाँ पे एक टेक्सॉन की ही बात होगी तो उसके लिए हम मोनोग्राफ यूज करते हैं. तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, जो कि आपका आंसर होगा. क्लियर? नेक्स्ट वन, फाइंड द सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए सोर्स फाइंड आउट करना है. कौन सा सोर्स होगा? व्हाट विल बी द सोर्स? फाइंड आउट करिए कौन कौन से सोर्सेज हैं. ये आपके ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ देम. 1 and 2 हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन. ठीक है, फेमस बॉटनिकल गार्डन ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन एट. बताइए कौन से बॉटनिकल गार्डन्स हैं जो कि ग्रो किए गए हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन. आंसर इज 1, 2 and 3, दैट इज क्यू, हावड़ा एंड लखनऊ. मुंबई का कोई रोल नहीं है वहां पे, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. आज की क्लास में हमने जो लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ विद लिविंग वर्ल्ड. From the next lecture onwards, we are going to start with biological classification. Okay? Yes, Arbaz is asking, ma'am, couplet 2 se zyada nahi hote hai na?
नहीं अरबाज, देखो कपलेट तो काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन कपलेट के अंदर आप जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लोगे वो केवल दो ही होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? कपलेट काफी सारे हो सकते हैं क्योंकि उसमें से आपको रेलेवेंट सेलेक्ट करना है, लेकिन उस कपलेट के अंदर जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर होगा वो दो ही हो सकता है, दो ही प्रोबेबिलिटी है। इज इट ओके? फाइन। तो अब आप लोगों को एक काम करना है, और वो काम आप लोगों को क्या करना है, ये जो चैप्टर है इसको आप एनसीईआरटी से रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।